हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ लूज प्लाजो की कटिंग। इसमें हमने देखी, पहले हम इसकी जो चौड़ाई है उसको नापेंगे, और उसके बाद आपने इसकी जो लेंथ है वो रखनी है, वो आपने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग रखनी है, जितनी भी आपको लेंथ चाहिए। जैसे हम इसकी जो चौड़ाई है वो ले रही हैं 12.5 इंच, यहाँ से 12.5 इंच इसकी हम चौड़ाई रखेंगे, और यहाँ पे हम पहले 2 इंच का निशान लगाएंगे। ये इलास्टिक वाले प्लाजो की कटिंग आज मैं आपको बता रही हूँ। 2 इंच का निशान हमने इधर से लगाना है और 2 इंच का ही निशान हमने इधर लगा लेना है, इस तरह से सीधा कर लेंगे हम इस निशान को। ये 12.5 इंच इसकी हमने जो चौड़ाई रखी है। कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके रखना है, क्योंकि जो आगे और पीछे की साइड के पल्ले हैं उनकी हम एक साथ कटिंग करेंगे। अभी यहाँ से हमने आसन रखना है। जैसे कि हमने ये 12.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है, तो 12.5 इंच ही हम इसका आसन पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हमने आसन नापना है, जो हमने इलास्टिक की पट्टी का छोड़कर नीचे से इसका हमने आसन जो है वो नापना है। तो आपने 12.5 इंच यहाँ पे 12.5 इंच का नाप कर निशान लगा लेना है। यहाँ से हमने 2.5 इंच आगे को रख कर इस तरह से हमने आसन का जो है वो निशान लगा लेना है। इसके बाद हमने यहाँ से थाइस का निशान लगाना है। जितना भी आपकी फिटिंग है उसके हिसाब से आपने यहाँ से थाइस का अपने निशान लगा लेना है। जहाँ तक हमने आसन लिया है वहाँ से हमने थाइस का जो है नाप वो रखना है। ये 9.5 इंच के ऊपर मैं लगा रही हूँ, और यहाँ से हमने आसन की इस तरह से गोलाई देनी है। आसन को एक आध डाल देंगे हम यहाँ से इस तरह से। ये आसन की काट है और ये हमारी थाइस का जो नाप है, और इसका जो हम घेर रखेंगे यहाँ से, जो हम मूरे में बोलते हैं इसको, तो इसका घेर जो है हमने ये 9 इंच पर ले रही हूँ मैं। अगर आप ज़्यादा से कम भी रखना चाहते हो तो कम ज़्यादा भी आप इसको रख सकते हो। ये हमने 9 इंच के ऊपर ये निशान लगाया है। इस तरह से हम इसको मिला देंगे। अगर आप फुल घेर का रखना चाहते हो, जैसे कि हमने यहाँ से फुल घेर का नाप रखना है, तो यहाँ से इस तरह से आप फुल घेर भी रख सकते हो। जितना भी आपके पास कपड़े की चौड़ाई है, अगर आप उतना नाप रखना चाहते हो तो आप इस तरह से फुल घेर का भी नाप ले सकते हो। तो इस तरह से हम फुल घेर का निशान लगाएंगे यहाँ से। ये याद रखिएगा कि आपने यहाँ से इसको ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, आपने यहीं से लेकर बाहर की तरफ इसका निशान लगाना है। जब भी हम फुल घेर का निशान लगाते हैं तो हम 1 इंच यहाँ से ऊपर की ओर रखते हैं। यहाँ से इस तरह से हम गुलाई देते हैं इसको, इस तरह थोड़ी सी गुलाई देकर इसकी कटिंग करते हैं। मैं आज ये आपको फुल घेर की कटिंग नहीं बता रही हूँ, ये हमने 9 इंच के मोरी के जो है वो रखी है इसकी। अगर आपने फुल घेर रखना है तो आप यहाँ तक फुल घेर भी रख सकती हो, तो इस तरह से इसकी कटिंग होती है। तो ये रही इसकी मार्किंग, अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सी कटिंग रहती है इसकी, जो लूज प्लाजो रहता है हमारा। यहाँ से हम इसके आसन की कटिंग कर लेंगे। आसन की कटिंग होगी, और यहाँ से जो हमारे आगे वाले पल्ले हैं
उनको हमने एक इंच इधर की ओर से इस तरह से ये निशान लगा लेना है। और जो आगे की साइड के पल्ले हैं उनकी कटिंग करनी है हमने, जो पीछे की साइड के उनकी नहीं करनी है, सिर्फ आगे जो हमारे रहती है उस साइड से हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, ये लूज़ प्लाज़ो की हमारी कटिंग है। तो इस तरह से आप अपने प्लाज़ो की कटिंग कर सकते हो।